मनीष सिसोदिया की जो रिहाई हुई है, क्या ये रिहाई इनके लिए एक प्लस पॉइंट है विधानसभा के चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो? देखिए, कोई प्लस और माइनस पॉइंट नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ जो योजना चला रहे हैं वो तो कोई अपने पिताजी के घर से देने रहे हैं, जनता का ही पैसा उसे लौटा रहे हैं। पैसे नहीं देती है, जब भी सवाल होता है तो इसी तरीके के जिक्र होते हैं। हाँ, तो यही आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता को उल्लू बनाने का काम है इनका, जो लोग परेशान रहा है, बिल भी दे रहा है, परेशान भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरीके से राहत भरी खबर सामने आई, जहां मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद लगातार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली जो उन्होंने बड़े पैमाने पर आ करके एक उस अलग अंदाज में बताया कि सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता है कभी, इस तरीके की बातें की जा रही है। हालांकि अब इंतज़ार आम आदमी पार्टी को जो है वो इस बात का है कि कब जो है वो केजरीवाल भी इस तरीके से निकल करके सामने आएंगे। हालांकि इस पर पूरी तरह से भाजपा ने जो साफ किया है, भाजपा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप अभी उनको जेल से रिहा हुए हैं, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं लगातार सुनने में आई हैं, और इसी पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार झा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की पर जो जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जो लगातार रिहाई हो रही है, तो क्या वाकई विधानसभा चुनाव आने से पहले एक नई इबारत लिख पाएगी आम आदमी पार्टी, क्या लगता है सर? देखिए, रिहाई तो मान लीजिए कोर्ट पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऐसा बात, तो अच्छी है, ठीक है, सब दिन नहीं रख सकता है किसी को जेल में। लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला है वो एक कैसे ऐसे नेता पर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी है और कई नेता पर है जो अभी तक बंद है। लेकिन जो देश की माली हालत है, जो देश की स्थिति है, जनता को हमेशा ये लोग बरगला के रखे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ जो योजना चला रहे हैं वो तो कोई अपने पिताजी के घर से देने रहे हैं, जनता का ही पैसा उसे लौटा रहे हैं। लेकिन माली हालत जो हो गई है डीटीसी की, मान लीजिए डीटीसी बस का साफ हालत बद से बदतर है, और कोई उस पर सरकार का कोई पहल नहीं है। जैसे कहता है भाई शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षा में क्या सुधार हुआ? शिक्षा में मान लीजिए 2-4-10 स्कूल को ठीक किया गया, जो है कंस्ट्रक्शन का काम किया गया, उच्चतम प्रणाली का थोड़ा सा उसमें दिखाया गया है जो हाँ शिक्षा का व्यवस्था। लेकिन अमूमन पूरे दिल्ली में, दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, कोई बड़ा प्रदेश नहीं है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भारत सरकार है यहाँ, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही उसे रहना पड़ेगा। तो अभी रिहाई हुई है, लेकिन अमूमन बात देखिए, जो अब 10 साल करीबन लगने को चला है, लोग धूल फांक रहे हैं अभी भी, और बिजली का बिल जो है अभी और अत्यधिक हो रहा है, अत्यधिक हो रहा है। कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है जो इतने सारे घटना हो रही है बिजली पे, जो अभी दिन प्रतिदिन गर्मी में इतनी आग लगी है, इतनी ट्रांसफार्मर जली है, जो लोग परेशान रहा है, बिल भी दे रहा है, परेशान भी हो रहा है। तो इस तरह का जो व्यवस्था किया जा रहा है, जो संचालित बिजली कंपनी है, वो जो पहले का सरकारी मीटर था 24-25 साल का अपने लोगों का, वो संचालित मीटर के सीधे 3 गुना ज़्यादा इसका मीटर तेज है, और जनता को उल्लू बना के ये लोग पैसा लेते हैं अभी तक। मनीष सिसोदिया की जो रिहाई हुई है, क्या ये रिहाई इनके लिए एक प्लस पॉइंट है विधानसभा के चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो? देखिए, कोई प्लस और माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला अभी उनसे कोई क्लियर नहीं हुआ है, उनको बेल मिला है, भ्रष्टाचार का मामला लंबित है, और उस पर कोर्ट जो है संज्ञान लिया है, और उस पर लगातार बहस चलेगी, तारीख बढ़ेगा, होते रहेगा ऐसा, और ऐसे अमूमन होते रहे हैं, जो इसमें प्लस और माइनस का कोई बात नहीं है, जनता के ऊपर है, जो जनता आखिर अपना न्याय कब तक ऐसे लोगों के पीछे छोड़ेगा, और न्याय नहीं मिलेगा, और उसके पीछे इस दिल्ली को देख लीजिए, जो अभी जो हाल है एमसीडी का, जो बदतर हाल है, दिल्ली सरकार के ही अंदर में है, एनडीएमसी है और एमसीडी है, सारा जल बोर्ड है, और कहने को मनीष सिसोदिया जी कह दिए, जो जल बोर्ड का पैसा जो है भारत सरकार रिलीज नहीं किया है,
तो रिलीज नहीं किया है तो एक दो साल हो सकता है जो बजट में ये हुआ हो प्रावधान, ऐसा नहीं है जो रिलीज नहीं करेगा। उसके लिए जो आपका विभाग आखिर क्या कर रहा है, उस पर कौन सा अमल आज वो तक सारे आरोप जो है भाजपा सरकार पर लगा देते हैं, केंद्र सरकार पर लगाते हैं और कहते हैं कि इन्हीं की तरफ से हमें जो पैसे मिलने चाहिए दिल्ली की, उसके लिए वो हमें पैसे नहीं देती है। जब भी सवाल होता है तो इसी तरीके के जिक्र होते हैं। हाँ, तो यही आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता को उल्लू बनाने का काम है इनका, और ये उल्लू बना के ही अभी तक ये कर रहे हैं। जैसा कि हाल मान लीजिए आम आदमी पार्टी जो बनाया, आप शुरू से स्टेटस देखिए इसका, जो अन्ना हजारे थे इसमें और वे कहाँ गए अन्ना हजारे, कितने साथी थे, कुमार विश्वास थे, कोई रहा इनके, उपेंद्र महेंद्र यादव थे, यादव जी वो नहीं रहा, जो अच्छे अच्छे आदमी थे इनसे वो कट चुका है। क्योंकि देख रहा है जो ये काफ़ी गंभीरता से भ्रष्टाचार को जो है ना अपने ये में ले रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है और कोई भ्रष्टाचार में ये फंस नहीं सकता है, लेकिन बहुत तरीका से ये फंसा है और इससे उबरना इसको काफ़ी कठिन है। आखिरी सवाल लूंगी आपसे, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में हश्र हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री तक जो हैं वो जेल के भीतर चले गए, तो क्या विधानसभा चुनाव में ये अपनी एक नींव रख पाएंगे? देखिए, जनता सब कुछ देखती है, एक टर्म देखा, दो टर्म देखा, तीसरा टर्म नहीं देख सकता है जनता। चूँकि देख लिया है जो 10 साल में 13 कदम हो गया है दिल्ली के वासियों को, और कहीं भी किसी भी चीज़ में राहत नहीं है। हल्का फल्का गरीब लोगों को बिजली में राहत हुई है, लेकिन वो राहत जो है ना बड़े लोगों को, थोड़ा सा ऊपरी लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, वो बिजली का बिल अतिरिक्त आया है। हम अपने कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है, और ऐसे अमूमन मीटर पर सबसे पहले सरकारी अमल होनी चाहिए, उस कंपनी का जांच होनी चाहिए जो मीटर जो इतना अत्यधिक तेजी होता है वो काहे होता है, वो कोई अधिकार नहीं है, और 10 साल के बाद इसका अब चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए, बिजली की डिमांड हो, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप हो और सर पर खड़ा विधानसभा चुनाव हो, तो ये सारी मुद्दे जो हैं एक बहुत तरीके से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं और यकीनन ये विधानसभा के चुनाव में उठाए जाएंगे। हालांकि सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जी, जिस तरीके से वो बाहर आए हैं और उसी के साथ में अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल के भीतर हैं, तो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। एक उम्मीद भले आम आदमी पार्टी के लिए जग गई हो, लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, वीडियो जर्नलिस्ट विकांत के साथ आस्था तिवारी।